रोने क्यों लगी? हम नहीं मार सकते किसी मासूम जानवर को। अगर किसी की हत्या करके बाबा का रक्षा कर भी लिए तो कराम जी हमको माफ करेंगे। बदले ले गए थे वो नहीं हुआ, चिड़िया पिछले गए थे वो भी गलत हो गया। पता नहीं अब हमारे बाबा का कहा होगा, कैसा होगा उनका इलाज, वो मर जाएंगे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सच्ची में यार। हमको अपने बाबा के इलाज के लिए 100 रुपए नहीं कमानी थी, हम वो भी नहीं कमा पाए। मतलब तुम जानवर को नहीं मारती? कैसे मारेंगे, हमें तो सब जानवर चिरे प्यारे लगते, और जो प्यारे लगते उन्हें कौन मारता है। ओह मैं बेकार में इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। पर तुम चिंता मत करो, मैं ना तुम्हें अपने पिगी बैंक से 100 रुपया दे दूंगा। का? पिगी बे? मेरी गुल्लक। सच में तुम मुझे रुपल्ली दोगे? ये तो सही रहेगा, हम वादा करते हैं हम ना तुमको रुपल्ली कमा के 100 रुपल्ली दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? तत्ता को पता चल जाएगा कि हमने खुद से रुपल्ली नहीं कमाई है, तुमने दिए। जब तक हम उन्हें 100 रुपये कमा के नहीं दे देते वो नहीं मानेंगे। वाह ये तो बहुत यम्मी है। अभी यम्मी का होता है आइडिया, ये फ्रूट मतलब ये फल ना कितना मीठा है, टेस्टी है, तुम इसको बेच सकते हो। अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, इससे तो किसी का नुकसान भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन इस फल को कहते क्या है? नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे रामफल कहेंगे क्योंकि राम जी ने हमको ये फल दिया ना, इसलिए। धन्यवाद राम जी, आपने बिना किसी की हत्या करवाए हमको 100 रुपये कमाने का रास्ता सुझा दिया।